आप कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, अगली बार मोदी की तीसरी बार, और मनोहर सरकार बनेगी तीसरी बार हरियाणा में जी। लेकिन पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को फिर बीच में लेकर आऊंगा, उनका ये कहना है कि उनकी दावेदारी से बीजेपी डरी हुई है, वो तय नहीं कर पा रही है कि टिकट किसको दें, किशन पाल गुर्जर को दें, विपुल गोयल को दें, राजेश नागर को दें। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी टिकट उनकी भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन उनकी दावेदारी पुख्ता है। देखिए ये सरासर बेबुनियादी बातें हैं। लोकसभा की ये जो मीटिंग हम बुला रहे हैं, इसमें लोकसभा भी की तैयारी का भी जिक्र है। हम आपको अभी प्रेस की विज्ञप्ति देंगे, उसमें पहला शब्द ही लोकसभा का लिखा हुआ है, लोकसभा और विधानसभा के चुनावों की तैयारी। रहा सवाल लोकसभा का, जब से मेरा नाम आया है भाजपा में खलबली मची हुई है। भाजपा पार्टी ये फैसला नहीं कर पा रही है कि मौजूदा सांसद मंत्री को यहां से खड़ा करेंगे या विपुल गोयल को करेंगे या राजेश नागर को करेंगे। तो ये खलबली तो भाजपा में है, जब से मेरा नाम आया है भाजपा इस बात से परेशान है और वो अपने कैंडिडेट का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। हमारा भी अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जब पार्टी का फैसला होगा और पार्टी अगर हमें इस लायक समझेगी तो हमारी पहले से ही तैयारी है, आज भी है और आगे भी रहेगी। और ये कार्यकर्ता सम्मेलन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए ही बुलाया जा रहा है। देखिए चौधरी करण सिंह दलाल हमारे क्षेत्र के सम्मानित नेता हैं, आप उनकी दावेदारी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है। मैंने उनका कल का एक वक्तव्य और भी सुना नूह में, बड़ा मुझे उनका वक्तव्य सुनकर वाकई में बहुत धक्का लगा। मुझे दलाल साहब हमारे जो इतने सीनियर नेता हैं, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद थी कि वो सबको भाईचारे को कायम करने वाली बात करें, लेकिन उन्होंने वहाँ जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया वहाँ पर, वो वाकई में उनकी छवि के अनुरूप नहीं है। ललकार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहता हूँ कि अगर हिम्मत है तो दोबारा से नूह के अंदर इस तरह की कोई हरकत करके दिखाओ। अब की दफा तो चप्पल और जूतियां छोड़ करके भागे थे, आने वाले दिनों में इनको सड़कों पर चलने की गुंजाइश नहीं नजर आई। ये सरकार नहीं है, ये एक बवासीर की बीमारी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे पलवल के अंदर, पलवल के आस पड़ोस के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के वो कायर शरारती लोग, जो पीने का पानी आज मेवात के अंदर आ रहा है, ग्रोह बना करके इस पानी के पाइपों पर हमला करने का काम कर रहे थे। भाजपा के लोगों की एक साजिश ये थी कि यहाँ अगर गौशाला के ऊपर कोई दिखावे का झूठा हमला हो जाता है तो इनकी आग को भड़काने में बड़ी आसानी और बहुत ज्यादा इनको मददगार हो सकती है। लानत है ऐसी हरियाणा और इस देश की सरकार को, सरकार भी नहीं ये गुनहगार और खूनी लोगों का एक गिरोह है जो देश और इस हरियाणा प्रदेश को बर्बाद करने के लिए उतारू हो रहा है। उनको उन्होंने वहां पर सारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए जो टिप्पणियां वहां पर करी, उन्होंने जो यह बोला कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कायर हैं, ये तो खूनी लोगों का एक गिरोह है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी की सरकार बवासीर बीमारी की तरह है। मैं इतना हतप्रभ हूं इसको देखकर, उनके बयानों को सुनकर। उन्होंने बोला ये कायर हैं। अरे यहां पर कोई हमें युद्ध थोड़ी लड़ने हैं, हमें जनता के विकास के लिए योजनाएं सरकार बनाती है, उन योजनाओं को फलीभूत करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयास करती है कि जो योजनाएं क्षेत्र का विकास हो सके। यहां पर भाईचारा कायम करना है कि हमें यहां पर बहादुरी के किस्से बनाने हैं। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, दलाल साहब का जो भाषण था, बड़ा हताशा का जो परिणाम था, अपनी जमीन कांग्रेस पार्टी के लोग खो चुके हैं। मैंने देखा नूह में उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे थे, उनके जो शरारती तत्व थे वहां पर उनको चप्पलें छोड़कर भागना पड़ा। मैं कहना चाहता हूं, जो वहां पर हजारों लोग हर साल की भांति अपने धर्म की भावनाओं से ओतप्रोत होकर वहां पर नल्लट महादेव के मंदिर में अपना वहां पर पानी जल चढ़ाने जाते हैं, जलाभिषेक के लिए जाते हैं, वो पहली बार नहीं गए थे, वो हर बार जाते हैं, हर साल जाते हैं, हर साल की भांति इस वर्ष भी गए थे। और वहां पर कुछ शरारती तत्वों ने जो उनके ऊपर में पथराव किया, गोलीबारी करी वहां पर, और जो लोग बेचारी हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें भी वहां गई थी, उनको इस कारण से, वहां पर छोटे बच्चे भी थे, उनको वहां पर इतनी यातना झेलनी पड़ी, क्या वो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? इन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर चप्पलें और अपनी सब छोड़कर भाग गए।
अरे भैया वहां पर शरारती तत्व थे जो ऊपर से पथराव कर रहे थे, जिनकी छतों पर पत्थरों के भंडार बाद में भी पड़े वहां पर मिले, शरारती लोगों के जो एक संप्रदाय विशेष के लोग थे जिन्होंने वहां पर छतों पर पत्थर पहले से इकट्ठे कर रखे थे पत्थरबाजी करने के लिए, तो वो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें कुछ लोगों की फोन की टॉवर लोकेशन वहां पर मिली कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, जिनके ऊपर उसके लिए केस भी करे गए, जिनके ऊपर FIR भी की गई कि उनकी सारी जो घटना थी प्रायोजित थी पहले से ही, और उस घटना में उनकी फोन की लोकेशन वहां पे थी क्योंकि वो सब करने में सबसे आगे थे वहां पर। तो मैं कहना चाहता हूं, दलाल साहब ने बोला वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कितना आसान है उंगली उठाना। कितनी बार जाकर उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को बोला कि भाई आपकी संलिप्तता क्यों थी वहां पर, आपके फोनों के टॉवर लोकेशन वहां पर क्यों पाई गई, वहां पर आपके पार्टी के लोगों के घर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लोगों के छतों पर वहां पर पत्थर मिले वहां पड़े हुए, वो क्यों थे वहां पर? और जो बुलडोजर चलाए गए सरकार ने जब उन पर एक्शन लेते हुए जन भावना के अनुरूप वहां कार्यवाही करी, जिन लोगों ने वहां पर लोगों पर पत्थरबाजी करी उनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? तो मैं कहना चाहता हूं, जो ऊपर मुंह करके थूकता है वो थूक वापसी आकर गिरती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सबक लेना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब ये दंगे हुए थे कितने कांग्रेस पार्टी के लोग थे, कितने पलवल के कांग्रेस पार्टी के नेता थे जिन्होंने जाकर लोगों से उनका हालचाल पूछा। पलवल में जब पुलिस वाले इनकी दहशतगर्दी में पुलिस वाले गलत हमारे बच्चों को युवाओं को उठा रहे थे घरों से पूछताछ के बहाने, तब कितने लोग थे कांग्रेस पार्टी के उनको छुड़ाने के लिए गए, तब भी वो राजीव कत्याल था वहां पर जनता के बीच जाकर बैठा हुआ था 1000 लोगों के बीच में, तब भी मैं जाकर वहां पे SHO को साथ लेके बैठ गया था, किसी भी बच्चे को यहां से उठाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी बच्चे को उठाया जाए तो सबसे पहले सामना उसे हमारा करना पड़ेगा उसे। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि पर ये जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं ये हताश हो चुके हैं, अमर्यादित भाषा पे आ चुके हैं, आपस का भाईचारा इनको बिल्कुल बिगाड़ना नहीं चाहिए। सरकार आनी जानी होती है, जनता की सेवा करने का साधन होती है। उनका ये कहना है कि भाईचारा जो बिगाड़ा गया है ना, जो लोग पलवल से फरीदाबाद से आसपास के इलाकों से जो लोग गए थे हिंदुत्व का नारा लगाते हुए गए थे, उन्होंने उकसाया वहां पर, उन्होंने मारपीट की, और वहां के लोगों ने, वहां के हिंदुओं ने नहीं किया, यहाँ के लोग हिंदुओं ने किया, उनका कहना कही है जो असामाजिक तत्व थे। हालांकि सबके ऊपर आरोप उन्होंने भी नहीं लगाया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नाम लेके बोला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या उनको अपने धर्म का क्या कहते हैं अपनी भावना को प्रकट करने का हक नहीं है क्या? पलवल के अंदर पलवल के आस पड़ोस के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के वो कायर शरारती लोग जो पीने का पानी आज मेवात के अंदर आ रहा है ग्रोह बना करके इस पानी के पाइपों पर हमला करने का काम कर रहे थे। भावना को प्रकट करने के बाद उन्होंने पाइपलाइन तोड़नी शुरू कर दी, पाइपलाइन का मुद्दा अलग मुद्दा है, मैं बात कर रहा हूँ उस दिन की जिस दिन नूह में दंगे हुए वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ आरोप लगाना किस बुना पे, किस बुनियाद पे उन्होंने आरोप, कितने लोगों पे इन्होंने उसके खिलाफ केस किया? अगर ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें संलिप्त है तो खाली भाषणबाजी क्यों, सूखी भाषणबाजी अच्छा, क्यों की जा रही है? क्या ऐसा नहीं है? कितने लोगों पर इन्होंने कार्रवाई करी, कितने लोगों के खिलाफ इन्होंने मुकदमे दर्ज कराए? कत्याल साहब, क्या ऐसा नहीं है जो गुंडे और बदमाश थे उनको पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने आउट ऑफ वे जाके बचाया? कैसे, किस बिना पे बात आप कह रहे हैं? गुंडे व प्रशासन को मैं ऐसे कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं, उनका ये कहना है वहां की लोकेशन देख लें, वहां के CCTV कैमरे देख लें, हथियार लहराते हुए गए। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे CCTV थे, ऐसे वो थे, इनका सरकार पे अगर यकीन नहीं है तो प्राइवेट केस भी डाला जा सकता है कोर्ट में। ये जनता की आवाज, ये चाहते थे भाईचारा बने, ये तो ये कहते हैं भाईचारे को बनाना चाहते थे, तो भाईचारे को बनाने के लिए ये इस्तगासा डाल देते उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते? ये सिर्फ आरोप लगाने की राजनीति है, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने चैलेंज करके फिर कहा पिछली बार तो चप्पल छोड़ के भागे थे जी, अब की बार तो आपने वीडियो सुन भी लिया होगा। देखिए जो बोला है इन्होंने, नाई रे नाई कितने बाल, ये अभी सामने आ जाएगा, अभी आप थोड़े दिन रुकिए, चुनाव को ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये जो बयान है ये सूखी राजनीतिक बयान थे इनके जो बयान था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने उनमें अपनी अपना सद्भाव कायम करने के लिए कि हम आपके हितैषी हैं, इसलिए ऐसा बयान दिया जा रहा था वहां पर, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाईचारा बना के रखना चाहती है। अभी हसीन खान देखिए, उनके नाम पर छुट्टी करी गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी ऐसे कई लोग थे जिसमें उनके खिलाफ भी धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप, तो BJP पर ज्यादा लगते हैं। देखिए हम हिंदू धर्म के लोग हैं, मैं आपको बड़ा आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। आज राम मंदिर
कि जिस ये घबराए पड़े 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की होने जा रही है। बिल्कुल, उनका ये कहना है, घबराए पड़े, सुनो सुनो एक बार सुन लो, उसमें जवाब दे देना जी। उनका ये कहना है कि ये जो राम मंदिर के नाम पर ये जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, ये केवल आने वाले समय में वोटों की राजनीति है, वोट लेने के लिए, हिंदुओं के वोट ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार से मिले, मतलब इमोशनल समझ लो वो कर रहे हैं। देखिए बोटानी जी, सब समझदार हैं, रोटी को चोची कोई नहीं बोलता, इनको किसने रोका है करने से? जब पहले राम मंदिर के हमारे मानते हैं कि वोटों की राजनीति हो सकती है, नहीं नहीं, आप मान मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, पहले मेरी बात पूरी सुनिए, नहीं कर सकते, पहले मेरी बात पूरी सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, जब राम मंदिर के लिए केस चल रहा था वहां पर, हमारे मंदिर की जमीन के लिए, रामलला के घर के लिए, तब तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ये कहते थे राम काल्पनिक है, इन्होंने राम भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठा दिए थे कोर्ट में, इनके पार्टी के बड़े नेता, शीर्ष नेता इनके पार्टी के, उसको अपोज कर रहे थे कि महा मंदिर नहीं बनना चाहिए, पहली बात। आज जब ये कहते थे कि ये बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, बहकावे की राजनीति करते हैं, ये कहते हैं राम मंदिर ये हम बनाएंगे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, आज जब उसकी तारीख बताने की बात आई, जब वहां पर जो ट्रस्ट ने, जो राम मंदिर जन्मभूमि का न्यास ट्रस्ट है वहां पर, उसने एक तारीख रखी 22 जनवरी को कि वहां पर हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि हिंदू मान्यता के लोग हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं है, हम भाईचारा चाहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने धर्म का भी सम्मान करते हैं और सबसे फालतू भी करते हैं। तो क्या करेंगे 22 तारीख का कार्यक्रम, 22 तारीख के कार्यक्रम के लिए, हाँ, पलवल में क्या कार्यक्रम आप? जब पहले एक मिनट, जब 22 तारीख के कार्यक्रम के लिए पूरे देश में माहौल बन चुका है, निमंत्रण दिए जा रहे हैं, अक्षत आ रहे हैं वहां से, पूज्य अक्षत आ रहे हैं, तो इन लोगों को घबराहट हो गई कि लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। भैया जब जो धार्मिक धर्म के अनुरूप कार्य अपनी आराध्य श्री राम के लिए, हम वहां पे उनके निमंत्रण के लिए हम आगे आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को कौन रोक रहा है? इनको तो निमंत्रण भी दिए गए हैं, जब इनको निमंत्रण दिए गए वहां से ट्रस्ट के माध्यम से, उस पर बयान आ रहे हैं, हम सोचेंगे कि हम वहां जाएं कि ना जाएं, ऐसी चीजों को देखकर लोग स्वतः अंदाजा लगा लेते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। कल उन्होंने पीसी की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने सवाल किया कि राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं है, तो करण सिंह दलाल ने कहा कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम, हमारे आराध्य, उसके मंदिर के उद्घाटन पर मोदी को अकेले नहीं जाना चाहिए, पत्नी के जीवित रहते हुए अकेले नहीं जाना चाहिए, सहपत्नी जाना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए आपकी एक बात का इसमें एक लाइन में जवाब देना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती हमारे आदरणीय करण सिंह दलाल जी कल पीसी करके लोगों को ये कहते कि हमारे सभी पलवल वासियों को, वो कहते हैं पलवल की पहचान उनके कारण पूरे प्रदेश में है, तो पूरे प्रदेश को कहते हैं कि पलवल का एक नेता कांग्रेस का पूरे प्रदेशवासियों को आमंत्रित कर रहा है कि सब अयोध्या चलेंगे राम मंदिर के वहाँ प्राण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में, मुझे बड़ी खुशी होती, लेकिन बजाय लोगों को वहाँ जाने के कहने के लिए, अपने धर्म की मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए, वो ये कहने की बजाय उन्होंने नूह में जाकर अमर्यादित बयान दिए, उसके बाद अब लोगों में एक कटाक्ष करने के लिए कि माननीय मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी को सहपत्नी के साथ जाना चाहिए, उनको अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए कि अकेले जाना चाहिए, ये तो उनका विषय, उनका पारिवारिक विषय है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि पत्नी के होते हुए भी ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अनुष्ठान वगैरह या हवन वगैरह या इस तरह के कार्यक्रम, मैं उसी बात धार्मिक अनुष्ठान उनमें सहपत्नी को होना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुरूप तो रामलला जी सबसे ऊपर हैं, हमारे आराध्य श्री राम हैं, ये तो उसके अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, तो इन्होंने खाली टिप्पणी करनी है, इनको ये नहीं है कि वहां पर लोग जाएं और अपना आगे बढ़े, हमारे धर्म का और प्रसार हो, प्रचार हो, सनातन संस्कृति और आगे बढ़े, इनको सिर्फ कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ के राजनीति करनी है हर चीज में। उनका सवाल गलत है, उनका सवाल गलत है क्या? उनका सवाल बिल्कुल सरासर गलत ये इस बात को लेकर है कि वो टिप्पणी करी गई है उन पे। मैं तो कहता हूँ पहले अपना तो क्लियर करें कि वो क्या करना चाहते हैं। कुछ हिंदू धर्म के धर्माचार्यों ने भी ये कह दिया है कि हाँ ये बात दलाल साहब सही कह रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ ये पारिवारिक विषय है उनका, मोदी जी का अपना परिवार में विषय है उनका कि उनको कैसे जाना है, उनकी क्या बाध्यता है, उनको क्या करना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ करण सिंह दलाल जी को पहले ये कहना चाहिए था मैं क्या कर रहा हूँ। आदमी को सवाल पूछने का हक जब किसी से होता है जब पहले अपने बारे में बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनका क्या योगदान है इस प्राण प्रतिष्ठान के प्रोग्राम में। अगर उनको ये कहते हैं भाजपा के लोग इसे राजनीतिक रूप से कर रहे हैं तो उनको कौन रोक रहा है, वो जाकर वहां पर अपने धार्मिक रूप से कर लेते हैं इसको, लेकिन उनकी कोई विचारधारा सनातन की विचारधारा नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी जिस इंडी गठबंधन का पार्ट है उनके नेताओं की भी बता देता हूं, एक नेता ने तो उनके जो पूर्व मंत्री हैं एनसीपी के कल ये बोला श्री राम जी तो मांस खाते थे, श्री राम जी को मेथी की थोड़ी मिल रही थी सब्जी वहां पर वहां खाने के लिए, तो श्री राम जी की आप बात करते हो तो मांसाहारी थे,
तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोग, आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू अनुष्ठान की बात कर रहे हैं, ये लोग, इनको तो इनकी मर्यादा खत्म हो चुकी है। ऐसे लोगों को तो समाज से बिल्कुल बेदखल कर देना चाहिए जो ऐसी बात कहते हैं। और बताता हूं मैं आपको, उससे पहले एक जो हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इनकी पार्टी के इंडी गठबंधन के पार्ट हैं, वो कहते हैं जी ये तो हिंदू सनातन धर्म तो कोड है, इसको तो जैसे एड्स की बीमारी ला ला है, जैसी बीमारी है। और उस इंडी गठबंधन का कांग्रेस पार्टी पार्ट है। अगर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सनातन की संस्कृति की विचारधारा को प्रमोट करती, आगे बढ़ाती, तो कभी का कभी समझौता तोड़ देती। अच्छा आप इंडी अलायंस बोलते हैं, इंडिया पूरा क्यों नहीं बोलते? देखिए इंडी गठबंधन इंडिया के बाद अलायंस है, वो ए अलायंस के लिए होता है। और मैं तो आपके खुले आपके माध्यम से बोल रहा हूं, तो घमंडिया गठबंधन है इंडी और इंडिया का ही, तो घमंडिया गठबंधन है। इनकी तो कोई ना नीति है ना नियत है इनकी, तो इनकी नियत तो सिर्फ हमारे जो देश की भावना है उनको आहत करने की है, सनातन संस्कृति के विरुद्ध है, इसीलिए कुछ ना कुछ बहाने बनाकर ही करते रहते हैं। तो ये थे हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल, एडवोकेट जिन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार भी पेश किए, हालांकि कई मुद्दों पर वो काफ़ी गर्म भी हुए। बहरहाल हमारा तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।